अजय जी आपसे मेरा प्रश्न कि केंद्र सरकार का इस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है, आप क्यों जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं हैं या क्यों उसका सपोर्ट नहीं करते, क्यों नहीं चाहते आप कि देश में जातिगत जनगणना आगे बढ़े? ये नैरेटिव बनाने की बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है कि जातिगत जनगणना हम नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? 2021 में जब नित्यानंद राय जी ने लोकसभा में कहा था कि अभी इस तरह की कोई योजना नहीं है जातिगत जनगणना करवाने की, क्योंकि सेंसस ड्यू था 2021 में, तो उसका कारण था देश कोरोना के सेकेंड वेव से जूझ रहा था, प्रायोरिटीज डिफरेंट थी देश के सामने। अब कोरोना के सेकेंड वेव में आप जातीय जनगणना करवाइएगा जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है? छोटी सी बात को समझने के लिए इतना बड़ा तूल देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर एक पार्टी इंटरेस्टेड है जातिगत जनगणना करवाने में तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए क्योंकि हमारा वोट बैंक पे लोगों जो लगातार इंटरेस्ट बढ़ोतरी हुई है, आज 44% ओबीसी का वोट बैंक वोट हमें मिल रहा है पूरे देश में। हम तो और चाहते हैं कि इस जातिगत जनगणना को करवा के स्थिति स्पष्ट की जाए, लेकिन उसके लिए एक समय होता है। अब वो समय आएगा, हम करवा लेंगे। रोहिणी आयोग की अनुशंसा हमने की क्यों थी? ये आज जो चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार या बिहार में और बाकी लोग, ये लोग जातिगत जनगणना नहीं, ये तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवा रहे हैं, SECC जिसको कहते हैं। इसके जब रिजल्टेंट आएंगे, देखिए जातिगत जनगणना किया क्यों जाता है, जरा इसकी जनसे समझिए। 1872 में पहली बार जब जॉन वॉल्टर ने करवाया था जातिगत जनगणना, उस वक्त अंग्रेजों के दिमाग में सिंपल था कि भारत को जातियों में विभक्त करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम लेके चलेंगे। 1931 में फिर ये लास्ट टाइम हुई। 31 के बाद स्वतंत्र भारत में आज तक किसी ने जातीय जनगणना नहीं करवाया। आज जरूरत है जातीय जनगणना के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवाने की, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था आरक्षण का प्रावधान लागू करते वक्त कि 1931 के जातीय जनगणना के हिसाब से आरक्षण तय किया गया, मंडल कमीशन आया उसको थोड़ा रिवाइज करके उसमें ओबीसी को लिया गया। एक कदम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय ओबीसी आयोग का गठन हमने किया, रोहिणी आयोग का गठन हमने किया, और तब हम रोहिणी आयोग की सिफारिशों से आज मीडिया को भी पता चला है कि 2600 ओबीसी जातियां लिस्टेड है सेंटर के स्टेट में, और उसके अलावा भी बहुत सारी ओबीसी जातियां लिस्टेड है स्टेट के लिस्ट में। लेकिन अजय जी, आपने 2021 में, ठीक है अजय जी, एक सेकंड, आपने 2021 का हवाला दिया, आप 2021 में सेंसस हो जाना था। अब उसमें आप जातिगत आंकड़े शामिल करते या नहीं करते, या सिर्फ SC ST के आंकड़े शामिल होते, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन 2021 में कोरोना का हवाला दे दिया, कोरोना के चलते आपने सेंसस नहीं कराया या नहीं हो पाया। लेकिन अब तो देश आगे बढ़ गया ना, 2020 में कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, 3 साल तकरीबन हो गए हैं, 3 साल से भी ज्यादा का समय बीता है, कहां पर पेच है और क्यों सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहती, और क्यों जब संसद में सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि अभी इस आशय की कोई योजना नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना करवाने में सरकार कभी कहीं से पीछे नहीं हट रही है। बिहार में तो ऑल पार्टी डेलीगेशन में हमने समर्थन किया था, प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेट बन के भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे। लेकिन देश की वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से आप ऐसा कोई काम लेते हैं, और हम कोई पीछे नहीं हट रहे, ना ही कोई पेच हट रहा है। ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। अरे कल को एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो जाएगा। लेकिन ये भी तो कह दिया था ना अजय जी कि आप अपने खर्च पर करा लीजिए इसको, मिनिस्टर ये भी तो कहा गया कि आप अपने खर्च पर करा लीजिए। भाई ये हमने कहा था जब उन्होंने, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, ये तब कहा गया था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा, बड़े बड़े बयान देके, कि हम इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से अपनी योजनाओं का आधार कर सकें, उसके हिसाब से अपने बजट का आवंटन कर सकें, ताकि पिछड़े हाशिए पे जो लोग बैठे हैं उनको हम आगे ला सकें। मुझे तो ये आश्चर्य लगता है कि 18 साल बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर आपको अपने बिहार के 13 करोड़ लोगों की जातीय व्यवस्था नहीं पता है, और अभी तक आप हाशिए पे ही लोगों का लाने के लिए सोच रहे हैं, तो आपका मुख्यमंत्री तो काल तो बहुत बढ़िया रहा। नहीं सर, अभी तक तो वो आप ही के साथ, आप तीन चुनाव जीतते गए, 4 चुनाव जीतते गए, जातीय समीकरण, एक मिनट जातीय, अभी तक तो वही अभी तक तो वो आपके साथ ही थे अजय जी। लेकिन कहां पेच फंसा है मुझे बता दीजिए, बस इतना बताइए। हम तो इसलिए, मैं आपको बोलने का भरपूर मौका दूंगी, बस इतना बताइए कि जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार का पेच कहां फंसा है? कहीं पेंच फंसा ही नहीं है। जातिगत जनगणना पर पेंच बिल्कुल कसा हुआ है कि जातिगत जनगणना करवानी है। देरी क्यों करवाएंगे हम, अपने समय आने पे करवा लेंगे। देरी क्यों, कब आएगा जी? हम लोग जो नीतीश जी के साथ रहे, एक मिनट, हम लोग तो नीतीश जी के साथ रहे इसलिए हम जानते हैं कि नीतीश जी को जिलावार कौन जाति कितनी है, जिलावार भी छोड़ दीजिए, प्रखंडवार कौन जाति कितनी है, इसका डेटा भी उनके दिमाग में होगा। वो समय कब आएगा? मैं नीतीश कुमार की पार्टी से मेरे साथ बैठे
राजीव रंजन जी नीतीश कुमार की पार्टी से बैठे हैं, बस इतना बताइए वो समय कब आएगा जिस समय का जिक्र कर रही है, तो टाल मटोल वाला रवैया हुआ ना जी, वो समय जो सही कोई समय टोल नहीं है। आप बीजेपी के आप भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये प्रश्न पूछ रही हैं, जबकि इस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार के पास है। तो भारत सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे और मंत्रीगण होंगे, वो जब निर्णय लेंगे कि कब करवाना है, तब आपके सामने भी आ जाएगा। लेकिन एक पार्टी के नाते मुझे नहीं पता कि भारत सरकार ये कब सोच रही है करवाने को लेकर। अजय आलोक, लेकिन देश में जब उपयुक्त समय आएगा तो ये भी होगा। अजय आलोक जी, रोहिणी आयोग की हर 10 साल एक सवाल खत्म कर लो, मैं जोड़ देता हूँ। आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, मैं जोड़ देता हूँ। हर 10 साल में का सेंसस होता है। 2010 में जो आपके लोकसभा में उपनेता थे गोपीनाथ मुंडे, बड़े प्रोमिनेंट ओबीसी नेता थे, उन्होंने कहा, सरकार से मांग की कि अगर 2011 में शुरू होना था कास्ट सेंसस, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हम और पीछे चले जाएंगे 10 साल, इसलिए इस बार होना ही चाहिए। 31 अगस्त मेरे ख्याल से 2018 में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस राजनाथ सिंह एज होम मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी है होम मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा कि हम इसको करवाएंगे। लेकिन उसके बाद अब ये पता नहीं है, ये स्टैंड अप कहां से लेकर आया कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुकी है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दीजिए, वर्तमान समय में पक्ष में नहीं है। नहीं, वर्तमान समय हर 10 साल के बाद कास्ट सेंसस होता है, अभी तो यह प्रक्रिया शुरू हुई है, 2 कॉलम जोड़ना है उसमें। तो डोंट बीट अबाउट द बुश कि वर्तमान समय ठीक नहीं है, कोरोना का समय बहुत पहले निकल गया। अब अगर आप एफर्मेटिव एक्शन लेना चाहते हैं, जो आप चाहते थे 2010 तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, 2018 तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या दिक्कत आ गई इसमें? ऐसा है कि हमारे इंटेंशंस को लेकर आप बिना मतलब का डाउट कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, आई एम नॉट इन द बुश ऑल्सो। 2010 में जब गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था, उस वक्त हम विपक्ष में थे, हम चाहते थे सरकार करवाए। 2011 में यूपीए की सरकार ने करवाया था, लेकिन किस ढंग से करवाया था कि अपने ही रिपोर्ट को वो कभी पब्लिश नहीं ढंग से करवा लीजिए, क्या निकल गया था उस रिपोर्ट में से? आप ठीक ढंग से करवा वाले बेहतर बताएंगे। अब एक मिनट, मैं क्योंकि अजय जी गंभीर व्यक्ति हैं, आप गंभीर प्रवक्ता हैं, बड़ा शानदार बोलते हैं, मुखर बोलते हैं, तर्कों के साथ बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं। 2010 गोपीनाथ मुंडे, आपने कहा तब आप सरकार में नहीं थे, लेकिन गोपीनाथ मुंडे आपके ओबीसी नेता थे, वो ये मानते थे कि अगर ओबीसी काउंट नहीं हुआ, कास्ट सेंसस नहीं हुआ, तो हम सामाजिक न्याय देने में विफल रहेंगे और 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा अगर ये 2011 में नहीं होता है। प्रेस रिलीज 2018 में जारी हुई, जैसा कि अभी सुकेश ने कहा, और उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। क्या बदल गया 2010 से 2021 तक कि केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं कि ऐसा कोई सरकार का ना एजेंडा है ना योजना है, क्या बदला? और मैं अंतिम प्रश्न आपसे अब ये पूछ रही हूं कि वो सही समय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, You're not denying, that's why I'm asking कि वो सही समय क्या है जब सरकार जातीय जनगणना कराएगी। 3 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे इंटेंशन में कोई डाउट शुरू से नहीं था, नहीं तो हम रोहिणी आयोग का गठन नहीं करते, हम ओबीसी नेशनल ओबीसी कमीशन का गठन नहीं करते, जो आज तक इस देश में नहीं हुआ था वो मोदी जी ने किया। और मत भूलिए कि इस देश का प्रधानमंत्री भी एक पिछड़ा और अति पिछड़े कैटेगरी में ही आता है, इसीलिए जातीय जनगणना करवाने से उनको कोई परहेज नहीं होने जा रही। मैं एक्शन ही बता रहा हूँ कि क्या क्या एक्शन हुए हैं इस पे। राजनाथ सिंह जी ने जो लोकसभा में बयान दिया था वो रोहिणी आयोग की तर्ज पे ही बयान दिया था, क्योंकि रोहिणी आयोग ने अपनी इनिशियल फाइंडिंग्स में ये कहा था कि ओबीसी आयोग का वर्गीकरण करने के लिए एबीसी कैटेगरी जिसकी आप बात कर रही थी उसको करने के लिए जातिगत जनगणना करना बहुत जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर। 12 हफ्ते में ये रिपोर्ट आनी थी, इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में कहा था 12 हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी, 12 महीने छोड़ दीजिए, फिर 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 6 साल में रिपोर्ट आई। और लोकसभा 2019 के इलेक्शन से पहले टाल दिया गया वो ऑल इंडिया सर्वे जो होना था, ऑल इंडिया सर्वे जिसके लिए बजट मांगा रोहिणी कमीशन, क्योंकि ये संभव ही नहीं। देखिए,
बिल्कुल मांगा और यह संभव ही नहीं था 12 सप्ताह में करके देने के लिए, इसलिए इसे टाल दिया गया। 19 के बाद इसको करवाने की पूरी योजना थी, कोरोना ने हमारा रास्ता रोक दिया। आज की तारीख में यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जिसे गंभीरता से सरकार करवाने पे सोचेगी जरूर। एक बार सब कुछ स्टेबल रहे एकदम बिल्कुल हम लोग करवाएंगे, और अब सब कुछ स्टेबल की तरफ बढ़ ही गया है तो आप देखिएगा कि जल्दी घोषणा हो जाएगी। जातिगत जनगणना से भाग कौन साल का समय कम मुझे तो ये दिक्कत है कि जातिगत जनगणना के बाद आप गंभीर जवाब, मैं ये बात कह रहा हूं आपको कोरोना बीते हुए बिल्कुल गंभीर जवाब दे रहा हूं। कोरोना बीत गया, कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे थे, हम आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे थे, हम और सब मोर्चे पर जूझ रहे थे। जातिगत जनगणना करवाना इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं थी, इसके बिना ऐसा नहीं है कि देश के लोग भूखे मर रहे थे, सबका ख्याल रखा जा रहा था। जातिगत जनगणना करना एक सामाजिक व्यवस्था का पुनरीक्षण करके और पूरे के पूरी आधार व्यवस्था को बदलने का है। जातिगत जनगणना करके आप करेंगे क्या? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आरक्षण की, जस्टिस डिलेड, ये जस्टिस डिलेड नहीं हो रहा है, जस्टिस डिलेड नहीं, ये जस्टिस डिलेड नहीं है। उस आंकड़ों के आधार पर, 2010 के आधार पर आप 2010 में मानते थे सर, 2010 में मानते थे ना कि अगर डिले हुआ तो 10 साल पीछे जाएंगे, हम तो उसको भी 13 साल आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। इफ इट्स नॉट डिलेड, गरिमा जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप दूसरी बात कह रही हैं, आप दूसरी बात कह रही हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब एक बार जातीय जनगणना के जब आंकड़े हमारे सामने आएंगे और उसके आधार पर सब चीज का पुनरीक्षण किया जाएगा, जो रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन है जिसको आप कह रही है कि ओबीसी आरक्षण को 3 ग्रेड में बांटने के लिए, और उसके साथ कितने आरक्षण का पुनर्निर्धार होगा, कितने लोग क्रीमी लेयर में आएंगे, उसका क्या सोशल रिपरकशन होंगे, कैसे क्या होगा, हर चीज को सोच समझ के किया जाता है। नीतीश कुमार कर रहे हैं, मंडल 2.0 कर क्या लेंगे बिहार में, ये मंडल आरक्षण में बदलाव कर देंगे,